कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड 19 केयर सेंटर प्रारंभ किए जाने के संबंध में संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जारी हुए आदेश कोटा में बढ़ते कोरोना वायरस केस को देखते हुए न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल को कोविड 19 सेंटर शुरू किए जाने के संबंध में आदेश मेडिकल कॉलेज प्राचार्य एवं नियंत्रक डॉक्टर विजय सरदाना को भेज गए हैं। राज्य सरकार के आदेश अनुसार सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को सुपर स्पेशलिटी सेवाएं हेतु प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के आदेश के अनुपालना में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के सभी मरीजों को मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभागों में स्थानांतरित कर दिया गया है। वर्तमान में भर्ती कोविड 19 मरीजों की संख्या 233 है तथा आगामी दिनों में कोविड 19 के मरीज ज्यादा भर्ती होने की संभावनाओं को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पर्याप्त क्षमता नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप बिना लक्षण व सामान्य लक्षण वाले कोविड 19 जिनके घर पर पर्याप्त आइसोलेशन सुविधा हो उनको होम आइसोलेट किया जाए तथा उनकी मॉनिटरिंग अस्पताल स्टाफ से करवाई जाए। कोविड 19 के मरीज अधिक होते हैं तो अस्पताल प्रशासन की ओर से कोविड 19 के सेंटर में उन मरीजों को रखा जाए जिसकी मॉनिटरिंग अस्पताल द्वारा की जाए। वहीं इस संबंध में मेडिकल कॉलेज अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर से जानकारी मांगी तो उनका कहना था कि उन्हें इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिले हैं, लेकिन यदि अगर मरीजों की संख्या ज्यादा आती है तो उन्हें संभावित मरीजों का उपचार करना पड़ेगा। अभी कोई ऐसा कोई आदेश नहीं आया हमारे पास में, पर हमने लिख के दिया है, प्रिंसिपल के यहाँ भी दिया है, प्रिंसिपल ने बाहर भी लिख के दिया है और हमारे सेक्रेटरी को डायरेक्टरेट में भी लिख के दिया है कि भाई कोई दूसरा कोई ऐसा स्थान देखें जहाँ पर ये पेशेंट हम शिफ्ट कर सकें। और फिर भी अगर बहुत ज़्यादा अगर स्थान नहीं मिलता है और मरीज़ ज़्यादा अगर आते हैं तो फिर हमें SSC बिल्डिंग में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास कोई और कोई अल्टरनेट नहीं है क्योंकि फिर हम उद्घाटन का इंतजार नहीं कर सकते। फिर तो बहुत ही जरूरी है कि पेशेंट को रखना ही पड़ेगा आपके।